कैसी आवाज है? नमः। लग रहा है जैसे कोई कोई मंत्र पढ़ रहा है, पर इतनी रात को, वो भी जंगल में। क्या पता ये मंत्र उस ओम से संबंध रखता हो। हमें वही जाना चाहिए जहाँ से आवाज आ रही है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महादेव, और कितने दिन आप और देवी पार्वती ऐसे ही धरती पर साधारण मनुष्य की तरह जीवन बिताएंगे? कार्तिकेय का जन्म भी तो एक विशेष कार्य के लिए हुआ था, तारकासुर का वध। दिव्य शक्ति के लिए कार्तिकेय अभी प्रस्तुत नहीं है। मैं और देवी पार्वती चाहते थे कि संपूर्ण रूप से योग्य होने के बाद ही हम अपने बच्चों को उनका असली परिचय बताएं, नहीं तो पूरी धरती पर संकट आ सकता है। पर वो लोग तो आप और देवी पार्वती के संतान हैं, वो क्यों शक्ति का गलत उपयोग करेंगे? इंद्र, हमारे इस मनुष्य जीवन का एक और कारण भी है। एक देवता का कार्य है मानव जाति के दुखों का नाश करना। मैं और देवी पार्वती ये चाहते थे कि हमारे बच्चे स्वर्ग में अपना जीवन आरंभ करने से पहले मनुष्य जीवन को समझें, तब कहीं जाकर वो उनके कष्टों का भी निवारण कर पाएंगे। भगवान, इसीलिए आप महादेव हैं, देवताओं में श्रेष्ठ। हम सब कार्तिकेय गणेश, लक्ष्मी और सरस्वती की शिक्षा समाप्त होने की प्रतीक्षा करेंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए। वो देखो, यहाँ आज कोई चमत्कार हुआ है। पिताजी, हम शिवरात्रि का व्रत क्यों रखते हैं? ताकि शिव जी हमें सभी तरह के मुश्किलों से बचाएं। आज शिवरात्रि है, मैं देर से लौटूंगा। आज का दिन सिर्फ मेरे भक्तों के लिए है। आज मैं पूरी धरती की सैर करूंगा, उन सबको आशीष दूंगा। इसमें आपके लिए कुछ भोजन की सामग्री है, आप सुबह होने से पहले आ जाना। मैंने भी उपवास रखा है शिवरात्रि का। माँ, आज हमें अनुमति दीजिए, आज हम सब रात तक गाँव में रहेंगे और महाशिवरात्रि की पूजा देखेंगे। रात तक बस तुम चारों? माँ, हमने सुना है कि आज के दिन शिवजी धरती पर उतर के अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। हमें भी आज उनको देखना है। तुम लोगों को शिवरात्रि की पूजा देखनी है ना? तो चलो, मैं तुम लोगों को साथ लेकर चलता हूँ। तुम लोगों को जहाँ जहाँ, जिस गाँव में, जिस मंदिर में जाना है बस बता देना, मैं साथ में लेकर चलूंगा। इतने सारे गांव में घूमे, शिवजी तो हमें कहीं भी नजर नहीं आए। सरस्वती, तुम कह रही थी कि शिवजी के विशाल जटाए हैं, वो बाघ की खाल का पोशाक पहनती है, उनके माथे पे तीसरी आंख है। आज हमने ऐसे किसी को भी नहीं देखा। लगता है तुम लोगों को बातें याद नहीं रहती। मैंने तुम दोनों को गांव में घुसने से मना किया था। बल्लू, आज शिवरात्रि है और पूजा के दिन भगवान के पास कोई भी भक्त आ सकता है, उसे कोई इंसान रोक नहीं सकता। ओम नमः शिवाय। पूजा कर ली, दक्षिणा नहीं दोगे? मैंने और मेरे बच्चों ने पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की, और भगवान को पूजने के लिए पैसे जरूरी नहीं होते। कौन कहता है कि जरूरी नहीं होता? तुम जैसे भिखारी ही बिना दक्षिणा के पूजा करने की बात कर सकते हैं। अरे कम से कम पूजा के दिन तो भगवान के लिए कुछ पैसे अपने जेब से निकालते। कार्तिक, क्या तुम बल्लू पर हाथ उठाने जा रहे? अगर हम भी ऐसे ही व्यवहार करेंगे तो उसमें और हम में अंतर क्या रह जाएगा?
चुपचाप चले जाने के सिवा और तुम लोग कर भी क्या सकते हो? मेरे बाबा का मुकाबला करना तुम लोगों की बस की बात नहीं है, और जिसके बाबा तुम लोगों के जैसे कमजोर हो उसे किसी से लड़ाई भी नहीं करनी चाहिए। शिव जी, मेरे बाबा को भी बल्लू जैसा ताकतवर बना दो ताकि वो बल्लू को सबक सिखा सके। भगवान, आज मेरे पास पूजा में चढ़ाने के लिए भी पैसे नहीं बचे। 2 महीने पहले जो बाढ़ आई थी उसमें मेरा घर, मेरे खेत, सब कुछ डूब गया। यहाँ बैठ के रोने से क्या तुम्हारे पैसे वापस आ जाएंगे? जाओ यहाँ से, बाकी भक्तों को आने दो। लोग हैं, क्या शिव जी उन सबकी मदद करेंगे? बेटा, लगता है भगवान आज सिर्फ गरीब को ही अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। अगर मुझे सोने का सिक्का पाना है तो मुझे भी गरीब बनना पड़ेगा। वो जहाँ भी हो, आज रात अगर वो हमारे बीच में है तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सब की मुश्किलों का आज अंत हो। मेरे पैर ठीक हो गए। प्रणाम पिताजी। जीते रहो गणेश। पुत्र, तुम्हें इस प्रकार गुरुकुल छोड़कर नहीं आना चाहिए था। किंतु पिताजी। गणेश, अब तुम बड़े हो गए हो, अपने उत्तरदायित्व को समझो। जी पिताजी, अब से ऐसा नहीं होगा। आज तुम्हारा जन्मदिन है और तुम्हारी माँ के कहने पर मैं तुम्हें एक वाहन देने जा रहा हूँ। आंखें खोलो गणेश। पिताजी, ये चूहा कैसे आ गया? डरो मत गणेश, ये चूहा कोई साधारण चूहा नहीं है, तुम्हारा वाहन है और इसका नाम मूषक राज है। किंतु पिताजी, माँ ने तो कहा था कि आप मुझे एक रथ देने वाले हैं। गणेश, तुम्हें हमारी आज्ञा का पालन करना होगा। अगर हमने ये चूहा तुम्हें दिया तो इसका अवश्य कोई कारण होगा। पिताजी, मैं इतना बड़ा और ये इतना छोटा? ये कोई साधारण चूहा नहीं है, समय के साथ तुम्हें स्वयं मालूम हो जाएगा। गणेश, अब तुम यहाँ से जाओ और हम आशा करते हैं कि तुम दोबारा इस प्रकार गुरुकुल से भाग कर नहीं आओगे। जी पिताजी। जीते रहो पुत्र। बाबा, आप भगवान शिव के बारे में जानते हैं? क्या वो सच में सर्वशक्तिमान है? ये नाम तुम लोगों को कहाँ से पता चला? वो कुटुश। कुटुश? मतलब कुटुश क्या है? वो तुम खिड़की के बाहर क्या देख रहे हो? वहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। वो गांव में एक नया बच्चा आया है, उसका नाम कुटुश है। तो उसका बड़ा भाई हमें बोल रहा था शिव जी के बारे में। शिव जी एक भगवान है जैसे कि हमारे बाकी देवी देव, बस इससे ज्यादा उनके बारे में बताने लायक कुछ नहीं है। पर
पर बाबा वो सारे देवताओं से ज्यादा शक्तिशाली हैं। इसीलिए मैंने तय किया है कि मैं उनकी पूजा करूँगा ताकि वो हमसे खुश हो जाए और हमें भी उनके जैसी शक्ति दे दे। उनके बारे में हमें बताइए ना बाबा। कार्तिक, अगर तुम एक अच्छे इंसान बनते हो तो भगवान उसी से खुश होते हैं, उन्हें कोई पूजा पाठ नहीं चाहिए। और अगर तुम बुरे हुए तो कितनी भी पूजा कर लो, उसका फल तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। और जो बच्चे दिन भर शैतानी करते हैं, अपनी माँ की बात नहीं मानते हैं, उन्हें भी भगवान पसंद नहीं करते। अब तुम लोग जाओ, जाओ जाके पढ़ाई करो। मुझे शिव जी के बारे में बहुत कुछ पता चला है। ब्रह्मा विष्णु लगे झगड़ने, खुद को बड़ा समझ कर प्रकट हुआ शिवलिंग, सुना आकाशवाणी का स्वर। ब्रह्मा विष्णु तुम शिवलिंग का शिखर और दिल खोजो, सच मुझ में है कौन बड़ा ये जान जाओगे दोनों। दोनों कोशिश करके हार तक प्रकट हुए शिव शंकर, जान गए दोनों नहीं कोई शिव से बड़ा यहाँ पर। शिव महादेव बागंबर धारे, तंते भस्म लगाए, जहाँ भी सागर मंथन हो रहा था वहाँ पे आए। गले में पहने सर्प की माला, गंगा लिए जटाओ में, सागर मंथन का कोलाहल गूंजे सभी दिशाओं में। मंदरा चल गिरी बना मथानी, नाग वासुकी डोर बने। देव और दानव दोनों दो छोर पकड़ कर मथने लगे, पर्वत के घर्षण ने जिस पर सागर तल में छिद्र किया, तब श्री नारायण विष्णु ने कच्छप का अवतार लिया। मंथन से जब विष निकला तो देव असुर जन घबराए, मंथन से जब विष निकला तो देव असुर जन घबराए, तब शिव ने विष पान किया और तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? कोई परेशानी है? बाबा, पता है आज मैं जीत भी गया था, पर फिर उस बल्लू पहलवान के डर से सब लोग गोलू के आगे चुप हो गए। मैंने तुम लोगों को पहले भी समझाया, सिर्फ ताकतवर होने से कुछ हासिल नहीं होता है। अगर तुम एक अच्छा और सच्चा इंसान बनते हो, दूसरों के बारे में सोचते हो, तो देखना सब लोग तुम्हारा कितना आदर करेंगे। वो बल्लू पहलवान तो कितना ताकतवर है, जरा सोचो तो, क्या कोई उसको पसंद करता है? बच्चों, जो तुम दोनों कह रहे हो वो सही रास्ता नहीं है। माँ, एक बात बताइए, हमारे बाबा बहुत अच्छे हैं, बहुत सीधे हैं, गांव में सब लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं, पर क्योंकि वो बलवान नहीं, इसलिए इनको वहाँ पे कोई इतना नहीं मानता जितना बलू को मानते हैं। लोग बल्लू से डरते हैं बाबा, और उसी की बात मानते हैं क्योंकि वो शक्तिमान है। मुझे भी वैसी शक्ति चाहिए ताकि सब लोग मुझसे डरे, मेरी बात माने। स्वामी, इसका मतलब हम जो कर रहे हैं क्या उसका कोई अर्थ नहीं, कोई मोल नहीं? देवी, हमने ये जिंदगी इसीलिए चुनी थी क्योंकि हमें चाहिए था कि हमारे बच्चे अपने आप सब कुछ सीखें, हमें उन्हें उनकी पहचान बताने की जरूरत ही न पड़े। और देवी, वही हो रहा है, कार्तिक भी अपने आप सही और गलत का अंतर समझ जाएगा।
इसका मतलब हमारे माँ और बाबा भी हर रोज एक बार अपना असली रूप धारण करते हैं। वो लोग अपने दिव्य रूप में वापस आ रहे हैं। हमारी माँ इस जगत की सारी शक्तियों का आधार है, इसलिए उनको माँ शक्ति बुलाते हैं। लोग शक्ति प्राप्त करने के लिए हमारी माँ को ही पूछते हैं। माँ का ऐसा रूप, हाथ में 10 शस्त्र, कभी सोचा भी नहीं था। हमारी माँ अपनी शक्ति से दुष्टों का विनाश करती है और उसी शक्ति का छोटा सा हिस्सा वो इंसानों को भी देती है, ताकि वो अपनी जिंदगी में सारी मुश्किलों से लड़ सके। जैसे कि माँ दुर्गा सबको शक्ति प्रदान करती है, उसी तरह शिवजी का त्रिशूल हम सबकी रक्षा करता है और इस सृष्टि को विनाश से बचाता है। उन सभी शस्त्रों की शक्ति उस कलश के पानी में समा गई है। प्रणाम पिताजी। जीते रहो पुत्र। पुत्र, तुम्हें पता है ना कि हम तुम्हें देवताओं के गुरु महान ऋषि कश्यप के यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज रहे हैं। किंतु पिताजी, हमें शिक्षा प्राप्त करने की क्या आवश्यकता है? हम तो देवता हैं, हमारे पास तो इतनी शक्तियाँ हैं। बेटा, ज्ञान के बिना तो दैवीय शक्तियाँ भी व्यर्थ हैं। शक्ति के साथ साथ ज्ञान होना भी अत्यंत आवश्यक है। बिना ज्ञान के शक्ति उस वन के आग के समान है जो सब कुछ नष्ट कर देती है। पिताजी, मैं तो कितना अद्भुत दिखाई देता हूँ। सबसे अलग, गुरुकुल में सब मेरे चेहरे को लेकर चिढ़ाएंगे और मुझे माँ की भी याद सताएगी, और फिर नंदी के साथ कौन खेलेगा? पुत्र, व्यर्थ हट करने से कुछ नहीं होगा। पार्वती, तुम इनका सामान बांध दो, थोड़ी ही देर में इन्हें गुरुकुल जाना है। गणेश, तुमने बहुत बड़ी भूल की है। अगर तुमने वो रथ जल्द से जल्द वापस न लाकर दिया तो तुम्हें जीवन भर धरती पर साधारण मानव के रूप में रहना होगा। तुम्हारी कभी कोई पूजा नहीं करेगा और ना ही देवता के रूप में तुम्हें कोई जानेगा। देवी, आज कोई हमारे पूजा स्थल में आया था, आपने किसी को देखा क्या? नहीं तो, कोई भी नहीं आया। हाँ, बस कार्तिक आया था और उसने मुझसे कहा कि आज इस कक्ष की सफाई में वो मेरी सहायता करेगा। कार्तिक, इसका अर्थ है तुम लोगों को हमारे बारे में सब कुछ पता चल चुका था। अब पता चल गया शक्ति क्यों सबको प्राप्त नहीं हो सकती, और अगर वो शक्ति किसी ऐसे को प्राप्त हो जाए जो उसके योग्य नहीं है तो क्या हो सकता है? आज तुम्हारी वजह से पूरा गांव दुखी है। बाबा, हमसे गलती हो गई। देवी, हमारे इतने सालों के प्रयास व्यर्थ हो गए। अब इस मनुष्य जीवन का कोई अर्थ नहीं। हम लोग कैलाश लौट चलते हैं। बालकों, आज तुमने एक बहुत ही अद्भुत कार्य कर दिखाया और इस धरती को 3 दानवों से बचाया। धन्यवाद पिताजी, क्या आपने हमें क्षमा किया? हाँ, अवश्य। क्या आप हमारे मित्र दब्बू को ठीक कर सकते हैं? चलो वापस गुरुकुल चलते हैं।